हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब। फ्रेंड्स, ऑटो के यहां उतारने के बाद मैं सड़क का व्यू ले रही हूं। व्यू लेने के बाद मैं गुरुद्वारे में एंटर होना स्टार्ट कर देती हूं। ये जो आप पोस्टर दिख रहा है, आपको वहीं से हम एंटर हो रहे हैं गुरुद्वारा जाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक वीडियो में कवर अप करूं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उसे मैं ना, जैसे कि एक गुरुद्वारा है तो उसे एक गुरुद्वारे को बना के वीडियो अपलोड कर दूं, फिर दूसरे गुरुद्वारे की, क्योंकि काफ़ी गुरुद्वारे थे यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं गई हूँ, जितने भी गई हूँ मैं सबकी अलग अलग वीडियो बनाऊँगी। कुछ कुछ गुरुद्वारे के बारे में इतिहास मिला है जो कि वहीं गुरुद्वारे में लिखा हुआ था, वही मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। और कुछ आर्टिकल में पढ़ा है वो आर्टिकल के द्वारा आपको बता दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको गुरुद्वारे की वीडियोस के साथ साथ आपको फ़ोटोज़ भी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की सारी फ़ोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लो ताकि आप फ़ोटो देख सको। फ्रेंड्स, फतेहगढ़ शब्द का अर्थ विजय का शहर, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर के लीडरशिप में सिखों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बलवन के शासन के दौरान बने मुगल किले को नष्ट कर दिया। यह शहर 4 स्मारकों द्वारों से घिरा हुआ है। प्रत्येक द्वार सरहिंद से जुड़े सिख इतिहास के 4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की याद में बना है। ये है दीवान टोडरमल, मलेरा कटोला से नवाब शेर मोहम्मद खान, बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा मोतीराम मेहरा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग जाति या धर्म से संबंधित था जो उस समय के लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारा को दर्शाता है। गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों की शहादत को याद करने के लिए, जिन्हें 1705 में सरहिंद के गवर्नर या फौजदार वजीद खान ने जिंदा ईंटों से ढक दिया था, एक शानदार गुरुद्वारे का निर्माण किया था। यह वह स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 सबसे छोटे बेटे 7 वर्षीय फतेह सिंह और 9 वर्षीय जोरावर सिंह को उनके रसोईयाई और नौकर गंगू ने मुगल सेना को धोखा दिया, जब्त किया, इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा, और जब उन्होंने इनकार कर दिया वजीद खान के आदेश के तहत उन्हें जिंदा दफना दिया गया। 9 दिसंबर 1705 को उनकी शहादत को सिखों ने सबसे छोटे लड़के के मर जाने के बाद फतेहगढ़ के रूप में नामांकित कर और 1893 में एक बड़े गुरुद्वारे का निर्माण कर याद किया गया। शहर का वह स्थान भी जहां सिखों ने इसका बदला 1710 में वाजिद खान से छीन कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि कुछ साल बाद सिख मिलिशिया फिर से हार गई और शहर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में रहा, जिसमें बाद में 1764 तक अहमद शाह दुरानी की नियुक्ति भी शामिल थी, जब खालसा ने नियुक्त जैन खान को हराकर और उसे मारकर इसे वापस ले लिया।
वीडियो ऑलरेडी 5 मिनट से ऊपर का बन चुका है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं बनाना चाहती। तो गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब, जो कि शहीदी स्थान है माता गुजारी जी का, वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में ले आऊँगी। तो आप देख लेना सारी वीडियोज़, मैं और भी वीडियो लाने वाली हूँ, 1-2 दिन में सारी अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लेना सारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी।